हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है, उन वक्त यानी ओवुलेशन से पीरियड के मिस होने तक आपको खास ख्याल रखना होता है। उन दौरान अगर आप कुछ भी गलतियाँ करते हो तो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद यानी गर्भ ठहरने के बाद भी इम्प्लांट फेल होने के चांसेस होते हैं आपके कुछ ऐसी गलतियों के कारण। जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब ओवुलेशन से पीरियड मिस होने के दौरान, बहुत लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। वो बस यही सोचते हैं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव का जो मेरे पास रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दौरान भी आपको वो सारी सावधानियाँ रखनी है, यानी कि अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, लेकिन ओवुलेशन से जब आपने ट्राई किया है तब से पीरियड मिस होने तक भी आपको वो सारे काम नहीं करने हैं जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। सबसे पहला जो चीज़ होता है, लोग सोचते हैं कि कपड़ा धोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, डांस करना, ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ आसानी से। लेकिन वो सारी चीज़ें जिसमें कि आपका जो बॉडी है वो जर्क यानी बॉडी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कूद रही हैं, फांग रही हैं, डांस कर रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, हेवी सामान ले रही हैं, और कपड़ा अगर आप धो रही हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा बैठ के धो सकती हैं, लेकिन हेवी हेवी ब्लैंकेट्स धोना, ज़ोर ज़ोर से पटक कर धोना, अपने बॉडी को झिंझोर कर कोई काम करना, वो सारे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस होते हैं ओवुलेशन से पीरियड मिस होने तक, जब तक आप रिज़ल्ट नहीं जान जाती हैं कि क्या है। तो कई बार ये भी होता है कि इन सारे कामों की वजह से इम्प्लांटेशन फेल भी हो गया लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चला इस बात का। फिर बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ अ एक्सरसाइज, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़िए ठीक है, अगर आपका घर एक मंजिले पे है ठीक है, दो मंजिले पे सीढ़ियाँ चढ़िए, लेकिन कोई ऐसी हेवी चीज़ लेके अपने साथ नहीं चढ़िए जिससे कि आपको उसको जोर लगाना पड़े उठाने के लिए। योगा एक्सरसाइजेस करना, वही बात कि हेवी हेवी एक्सरसाइजेस करना जिसमें कि योगा में भी हेवी चीज़ें जिससे कि आपका पूरा बॉडी हिल रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ रहा हो, तो वो योगा और एक्सरसाइजेस नहीं करें। बटरफ्लाई योगा, लेग अप द वॉल, मेडिटेशन, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी हेवी एक्सरसाइजेस आते हैं या योगा आते हैं जिसमें कि बहुत सारे स्ट्रेचिंग करना पड़ता है आपके बॉडी के मसल्स को, साथ ही आपको जर्क अनुभव हो, उस टाइप के योगा और एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद बहुत लोग ये सोचती हैं कि खान पान जो है बिल्कुल ख़राब कर लेती हैं, उनको लगता है कि जब कंसीव हो जाएगा तभी से खान पान स्ट्रांग रखना है, लेकिन नहीं, उस दौरान एम्ब्रियो को यूट्रस की लाइनिंग में चिपकने के लिए, उसको पक्का करने के लिए आपको खान पान स्ट्रांग रखना है। वो सारे मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपको लेना बेहद ज़रूरी है अपने गर्भ को पक्का करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। उसमें आप ले सकती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलर बेसिस पे, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स, जूस, सूप, फूड को अवॉइड करें, स्पाइसी तिलहन चीज़ों को अवॉइड करें, जितना हो सके सादा भोजन लें और वो सारी चीज़ें लें जो कि उस भोजन में आपको वो पर्याप्त मात्रा में आप पोषक तत्व अपने अंदर ले रही हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लें, इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी प्रॉब्लम दूर रहती है, कब्ज की शिकायत नहीं होगी आपको, तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लें। फ्रेश फ्रूट लें जिससे कि आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहे, अंदर से स्ट्रांग रहे, स्टैमिना रहे आपके अंदर, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूर लें। अभी सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम है, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप अपने शरीर को ठंडा नहीं होने दें। सर्दियों के मौसम में आप नंगे पांव फर्श पर ना चलें। देखिए, फीट और यूट्रस का एक मेल है, आपके जो पैर से जो रक्त प्रवाह होता है वो ऊपर यूट्रस की तरफ जाता है, लौटता है, वो जो रक्त प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड ठंडा नहीं होना चाहिए, यूट्रस को ठंडा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ठंडी जो वातावरण है वो गर्भ को गिराने या इम्प्लांटेशन को फेल करने में सहयोग कर सकती हैं। इसलिए अगर सर्दियों का दिन है तो अपने पैर को तो बिल्कुल ठंडा नहीं होने दें और पूरे बॉडी को भी बिल्कुल ठंडा नहीं होने दें, और अगर गर्मियों का दिन है फिर भी जो है आप पैर को वार्म रखें कम से कम। बाकी तो अगर आप पंखे में बैठ रही हैं या फिर ठंड एसी में बैठ रही हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैर के तलवों को गर्म रखें, एक चादर ज़रूर से ओढ़ के सोएं। तो
तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।